जालौर राजस्थान राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। यह शहर प्राचीन काल में जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। जालौर जिला मुख्यालय यहाँ स्थित है। लूनी नदी की उपनदी सोकरी के दक्षिण में स्थित जालौर राजस्थान का ऐतिहासिक जिला है। जालौर किला, जहाज मंदिर, शिव स्वर्ण गिरी तीर्थ, श्री उम्मेदपुर तीर्थ यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 1952 में यहाँ पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। दिल्ली से जालौर की दूरी 757.5 किलोमीटर है। प्रसिद्ध माउंट आबू का घर जालौर सिरोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। जालौर लोकसभा सीट आजादी के बाद से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी, लेकिन 2008 से यह सीट सामान्य हो गई, जिसमें जालौर सिरोही सांचौर जिला शामिल है। वर्तमान में जालौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल 2024 को चुनाव संपन्न हो गए हैं। जालौर लोकसभा सीट आजादी के बाद से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी, लेकिन 2009 से यह सीट सामान्य हो गई, जिसमें जालौर सिरोही सांचौर जिला शामिल है। वर्तमान में जालौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल 2024 को चुनाव संपन्न हो गए हैं। जालौर लोकसभा सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है। 1989 में भाजपा ने कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में दशकों तक कांग्रेस के गढ़ रही इस सीट पर सेंध लगाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल बूटा सिंह ने 4 बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। बूटा सिंह के प्रतिनिधित्व के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए भाजपा के पास एक प्रमुख दलित नेता की कमी थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दक्षिण भारत से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के सदस्य बंगारू लक्ष्मण को बूटा सिंह के खिलाफ दलित चेहरे के रूप में मैदान में उतारा, लेकिन लक्ष्मण को हार का सामना करना पड़ा। 2004 के लोकसभा के चुनाव में उनकी पत्नी सुशीला बंगारू भाजपा उम्मीदवार बनी और बूटा सिंह को हराकर जालौर से पहली महिला सांसद बनी। यह सीट 2004 से भाजपा के नियंत्रण में है, जिसमें देवजी पटेल ने पिछली 3 बार से इस सीट पर काबिज हैं। 2 दशकों से यह सीट बीजेपी के कब्जे में है। इस सीट पर कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 8 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा एवं 1 बार स्वतंत्र पार्टी और 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। देश में मोदी लहर चलने से पहले 2004 से जालौर भाजपा का गढ़ बना हुआ था, लेकिन पिछला चुनाव लगातार जीतने वाले हैट्रिक मैन देवजी पटेल को इस बार भाजपा ने टिकट देने से इनकार कर दिया। भाजपा और आरएसएस के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है। वैभव गहलोत ने 2019 का लोकसभा चुनाव जोधपुर से भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ लड़ा था, लेकिन वह ये चुनाव हार गए थे। वैभव गहलोत का राजनीतिक करियर अभी आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में उनके पिता ने जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अशोक गहलोत ने अपने बेटे की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रचार अभियान का अधिकांश ऊर्जा इसी सीट पर केंद्रित कर दी। वैभव गहलोत ने यहाँ आकर्षक आक्रामक शुरुआत की थी, जब वैभव गहलोत ने का आमना सामना चोटीला गांव में अपने प्रतिद्वंदी लुम्बा राम चौधरी से हुआ, तो उन्होंने उनके पैर छू लिए। यह दृश्य पूरी राजनीति में चर्चा का विषय बना। इसके अलावा एक अभिनव कदम गहलोत ने जालौर के लिए एक वचन पत्र या एक घोषणा पत्र साझा किया है। घोषणा पत्र में 20 मेधावी छात्र को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने, हर महीने में 10,000 नौकरियां एवं 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय, जालौर और सिरोही के बीच रेल लाइनें, हवाई पट्टियां, विशेष ग्रेनाइट ट्रेनें, 100 से अधिक नए स्टार्टअप और भी बहुत कुछ ऐसी वादे किए हैं। तो वहीं बीजेपी वंशवाद का राजनीतिक का मुद्दा उठाकर अनुभवी लुम्बाराम चौधरी के सामने वैभव गहलोत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी लुम्बाराम चौधरी ने वैभव गहलोत को चारों तरफ से घेरा है। तो बीजेपी इस चुनाव में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा लेकर भी ये चुनाव लड़ रही थी। पिछले जनादेश की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला था।
भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल ने 7,72,833 वोटों से जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के रतन देवासी को 5,11,773 वोट मिले। तीसरे नंबर पर मतदाताओं ने नोटा का बटन चुना था। आपको बता दें कि 2019 में कुल मतदान 65.75 हुआ था, जिसमें भाजपा को 57.5% और कांग्रेस को 38.01% वोट मिले थे। और वहीं 2014 के जनादेश में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन 2018 में हुए लोकसभा उपचुनाव में अलवर व अजमेर से कांग्रेस ने यह सीट हथिया ली थी। बीजेपी के देवजी पटेल को 5,80,508 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के उदयलाल आंजना को 1,99,363 वोट मिले थे। 2014 में कुल मतदान 59.63% था, जिसमें 53.4% बीजेपी को तथा 18.3% कांग्रेस को मत मिले थे। 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के देवजी पटेल को 1,94,503 वोट मिले थे, तो कांग्रेस के बूटा सिंह को 1,46,098 वोट मिले और बूटा सिंह 49,805 वोटों से हार गए थे। 26 अप्रैल 2024 को कुल मतदान 62.89% हुआ है, जिसमें जालौर सिरोही की कुल 8 विधानसभा क्षेत्र में कुल 22,97,328 मतदाता हैं, जिसमें से 12,05,535 मतदाता पुरुष और 10,91,778 महिला हैं और 15 थर्ड जेंडर हैं। जालौर सिरोही की 8 विधानसभा क्षेत्र जालौर में 62.89%, आहोर में 56.99%, भीनमाल में 61.2%, साचौर में 66.6%, रानीवाड़ा में 63.94%, सुरोही में 56% और रेवदर में 65.01% का मतदान हुआ है। इस बार के चुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 67.01% मतदान हुआ है, तो वहीं सिरोही विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 56% मतदान हुआ है। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला है। ऐसे में किसके हाथ में सत्ता लगती है, इसका पता तो 4 जून को लग जाएगा। आपने अपना बहुमूल्य मत किसे दिया है, कमेंट करके बताइए। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।